पर यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने वादों और घोषणाओं के साथ जनता के बीच में हैं। इस क्रम में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना काल में और अभी प्रदेश में फैले बुखार में सरकारी उपेक्षा के चलते उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की जर्जर हालत सबने देखी है। तो कोरोना काल में और अभी प्रदेश की स्थिति को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि सस्ते और अच्छे इलाज के लिए घोषणा पत्र समिति की सहमति से यूपी कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर कोई भी बीमारी हो मुफ्त में 10 लाख तक का इलाज उसका किया जाएगा। कोरोना काल में और अभी प्रदेश में फैले बुखार में सरकारी उपेक्षा के चलते उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की जर्जर हालत को लेकर प्रियंका गांधी ने यह बड़ा ऐलान किया है। तो उन्होंने घोषणा की है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में कराया जाएगा। तो विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं और उसी के मद्देनजर तमाम पार्टियां तमाम दावों और घोषणाओं के साथ जनता के बीच में हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रामानुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामानुज, लगातार देखने को मिल रहा है कि प्रियंका गांधी काफी ज्यादा सक्रिय हैं उत्तर प्रदेश में और घोषणाओं की झड़ी यहां पर कांग्रेस की तरफ से लगा दी गई है। एक और बड़ी घोषणा यहां पर प्रियंका गांधी ने की है कि किसी भी बीमारी के इलाज के लिए अब सरकार की तरफ से 10 लाख तक का इलाज दिया जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है। क्या कुछ जानकारी? देखिए साहिल, लगातार जो है प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश पर फोकस कर रखा है उन्होंने और लगातार जो है उत्तर प्रदेश के अंदर वो कैंप कर रही हैं। और अभी अगर बात की जाए, अभी 2 दिन पहले उनकी प्रतिज्ञा यात्रा थी, उस प्रतिज्ञा यात्रा में 7 घोषणाएं उन्होंने करी। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आज एक सबसे बड़ी घोषणा जो है उत्तर प्रदेश के लिए कर दी, जिसमें 10 लाख के जो है इलाज वो हर नागरिक का जो है फ्री होगा, सरकार जो है उसको मुफ्त इलाज देगी। तो जाहिर सी बात है एक बड़ा दांव है उत्तर प्रदेश की सियासत में। इन 7 वचनों के बाद जो ये आठवीं जो घोषणा है वो कहीं ना कहीं अन्य राजनीतिक दलों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रही है। लगातार जो है इन घोषणाओं की अगर बात की जाए उसका पूरा होने पर भी सवाल खड़ा कर रहा है पूरा सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम और राजनीतिक दल। लेकिन रोड मैप पूरी तरीके से कांग्रेस ने तैयार कर रखा है कि 2022 के अंदर किस तरीके से चुनाव के अंदर जाना है, किस तरीके से घोषणाओं की अगर बात की जाए उसको कैसे पूरा करना है। तो ऐसे में प्रियंका गांधी की तमाम जो घोषणाएं हैं वो कहीं ना कहीं एक अलग ही दिशा में राजनीति को ले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की। जी साहिल, रामानुज, बात की जाए पहले युवा, उसके बाद महिलाएं और अब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर भी एक बड़ी घोषणा, एक के बाद एक घोषणाएं यहां पर कांग्रेस की तरफ से की जा रही हैं और लगातार जो कांग्रेस की जमीन है उसको मजबूत करने की कवायद में प्रियंका गांधी जुटी हुई हैं। कितना फायदा मिलता हुआ कांग्रेस को यहां पर नजर आ रहा है इस वक्त की स्थिति की अगर हम बात करें? देखिए साहिल, अब ये समझिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो 7 घोषणाएं हुई है उसमें युवाओं को रोजगार की अगर बात की जाए 20 लाख सरकारी रोजगार की बात कही है, उसके साथ साथ किसानों को साधा गया है, किसानों के लिए यूरिया की अगर बात की जाए यूरिया पुराने दरों पर बात की गई है, महंगाई से निजात दिलाने की बात कही है, उसके साथ साथ किसानों के जो फसल है उसको मूल्य उचित मूल्य देने की बात कही है, 400 रुपए गन्ना और 2500 रुपए जो है 2500 रुपए में जो है धान और गेहूं दोनों खरीदने की बात कही है। और ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ अगर बात की जाए स्कूटी की बात की है और जो है उनको स्मार्टफोन की बात की है। तो कहीं ना कहीं सभी वर्ग को साधने की कोशिश है और इससे भी जो कोविड की स्थिति में जिस तरीके की योजनाएं थी, जिस तरीके की कोविड की स्थिति देखी पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में, उसको देखते हुए प्रियंका गांधी ने बड़ा दांव खेला है उत्तर प्रदेश की सियासत में। लेकिन इसका फायदा या नुकसान ये तो निर्णय जो है 2022 के नतीजे कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर बात की तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारे में चर्चा का विषय जरूर बन गए। जी, दूसरी तरफ अगर रामानुज बात की जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या और समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से ये भी आरोप लगे हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को भूलती हुई कांग्रेस नजर आई थी और अब हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा सक्रिय है यहाँ पर प्रियंका गांधी नजर आ रही है। लेकिन पिछला जो समय बीत चुका है जिसमें लगातार ये देखने को मिला था कि कांग्रेस उपेक्षा यहाँ पर करती हुई नजर आई थी उत्तर प्रदेश की, क्या उसका भी नुकसान आने वाले विधानसभा में कांग्रेस को झेलना पड़ेगा? देखिए साहिल, ये समझिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस जो है 32 साल सत्ता से बाहर है और ऐसे में भी कांग्रेस का 2012 का अगर चुनाव देखें, उससे पहले का अगर बात की चुनाव देखें, 2017 का चुनाव देखें,
तो उसमें कांग्रेस का जो है कहीं ना कहीं 2017 में आधार जो है घटा था, जिसमें 7 सीटें कांग्रेस को मिली थी, लेकिन उससे पहले का इतिहास देखें तो आप लगातार जो है दहाई के आंकड़े में कांग्रेस रही है। और 2012 की अगर बात की जाए, 2012 के अंदर 37 सीटें लेकर कांग्रेस जो है वो आगे थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब निर्णय की अगर बात की जाए, जो उपेक्षा की बात की जाए, तो 32 साल से बाहर है कांग्रेस। लेकिन जो तमाम जो क्रिया होनी चाहिए थी, जिस तरीके कांग्रेस के कार्यकलाप होना चाहिए था, जिस तरीके से लोगों से मिलना चाहिए, जुड़ना चाहिए था, वो जुड़ाव नहीं था। लेकिन इस बार जो है कांग्रेस ने संगठन पर काम किया है, संगठन के साथ साथ अगर बात की जमीन पर लोगों को जोड़ने की कोशिश की है, तो जाहिर सी बात है इसका एक फायदा भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो उपेक्षा की अगर बात की जाए साहिल, तो उपेक्षा में जब सत्ता में नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो लगातार कांग्रेस के कहने के लिए ये है कि वो सत्ता में नहीं थी, इसलिए उत्तर प्रदेश वासियों के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैक्टर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, तो जो 32 साल से कांग्रेस बाहर है, और उसके लिए चुनावी माहौल तैयार करने के लिए। जी ठीक है रामानुज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम संक्षिप्त जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon, never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.